के खिलाफ कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सत्याग्रह किया जा रहा है। गोहाना में हमारे विधायक और तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं आज बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे और अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, गोहाना के विधायक हैं जगबीर मलिक जी। मलिक साहब, 5 बार आप विधायक रह लिए, इतने सारे आपने राजनीति उठा पटक देख ली, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज आप सत्याग्रह कर रहे हो? देखिए, कांग्रेस आज से नहीं, आजादी से पहले से कांग्रेस सत्याग्रह करते आते। जब ऐसा समय आता तो कांग्रेस सत्याग्रह करती रही। अग्निपथ को लेकर इतना विरोध क्यों? देखो, आज सेना के साथ और युवाओं के साथ मोदी सरकार जो खिलवाड़ कर रही है उनके साथ, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि सारे देश में आज सब प्रदेशों में और जिलों में सत्याग्रह का जो है आज प्रोग्राम है, जो आज चालू है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये अच्छी योजना है, 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखो, मैं नहीं समझता, ठेके पर सैनिक भर्ती करना एक अच्छी योजना है, सेना को ताकत देना है। सेना के अंदर एक भावना होती है, जज्बा होता है देश के लिए जान देने का। क्या 4 साल का ठेके पर जो आदमी गया है वो जान दे देगा देश के लिए? क्या सेना आज रसिया एक छोटे से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पर ये ही सैनिक भर्ती थे, ये कॉन्ट्रैक्ट के सैनिक थे वहाँ भी रसिया में। इसलिए रसिया, यदि यहाँ इंडिया होता था, एक दिन का काम भी नहीं था। इंडिया की फौज का नाम है उसको कमजोर करने के लिए। सिर्फ एक बात से रक्षा का बजट जो पहले था 17% वो घटा गया 13% कर दिया। अब जो 70,000 के करीब सैनिक सालाना भर्ती होते थे वो 46,000, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के, इनकी तनख्वाह भी कुछ नहीं। सिर्फ खर्चा कम करने के लिए देश के युवाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 साल के बाद इन युवाओं का भविष्य क्या होगा? ये कहते हैं, खट्टर सरकार कहती है हम हर 4 साल के बाद जो आएंगे सबको नौकरी देंगे। आज 23,000 में से सिर्फ 576 को नौकरी दी है अब तक इस खट्टर सरकार ने, 536 आदमियों को, 1.8% को नौकरी दी है। और नौकरी स्पेशल प्रोविजन कैसे कर सकते हैं जब ऑलरेडी 50% तक रिजर्वेशन का प्रावधान दिया हुआ है सरकार का, इतने परसेंट SC, इतने BC, इतने सर्विसमैन, इतने ये, तो सारा प्रोविजन दिया हुआ है, वो बढ़ा कैसे देंगे? एक सर्विसमैन का तो ऑलरेडी है, और ये तो एक सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं आए। इनको पेंशन नहीं, इनको और कोई सुविधा नहीं, मेडिकल की सुविधा नहीं, इनको कुछ भी सुविधा नहीं है, तो इनको कैसे भर्ती करेंगे? ये लोग युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे? इनका भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? तो मतलब आपकी माने तो ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे। 100% एक बात है, ये फौजी जान के ये फौज में 4 साल नौकरी करना, इनका कोई भविष्य नहीं है। चीन और पाकिस्तान इनके सरहदों पर बैठे हैं। आज चीन ने 20 कितनी जगह पर कब्जा, गांव के गांव बसा लिए। आज नेपाल भी कब्जा कर रहे हैं इंडिया की जमीन पे, उसके बारे में तो कोई जवाब देते नहीं। और ये 25% जो रखेंगे वो देश ने बचाएंगे। तो ये मकसद क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि आप मकसद यू है, फौज को खत्म करना है, ठेका प्रथा चालू कर रहे, फौज का भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, प्राइवेटाइजेशन। अब जो आवाज उठा रहे हैं मलिक साहब, उसके खिलाफ भी पर्चे दर्ज हो रहे हैं? ये दबाने की राजनीति है, BJP की राजनीति सदा रही है। कोई बोल लेगा उसके पीछे ED लगा दो, CBI लगा दो, छापे करवा दो, इनकम टैक्स का लगा दो। अब युवाओं को डराने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को धमकी दी जा रही है तुम्हारे पास केस दर्ज करेंगे, भर्ती नहीं होगी। ये सरासर लोकतंत्र का हनन है, युवाओं का अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, उसको दबाकर ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहिए। बड़ी बात है, सेना के जो चीफ हैं वो भी आगे आगे इस चीज की दलील दे रहे हैं, अच्छी चीज है। आप ये मेघालय के गवर्नर ने कहा है, अगर सेनाओं के चीफ का मिसयूज नहीं करना है, उनकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है देश में, उनको डिबेट में शामिल नहीं कराना चाहिए। और उनका बताओ, बक्सी है, सैगल है, और ये DS हुड्डा है, ये कितने ऐसे
ये काद्यान राज सिंह काद्यान है, ये कितने अच्छे लेफ्टिनेंट वो जो है जनरल, कितने ने खिलाफ इसके दिया है। उन्होंने कहा ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये स्कीम गलत है। अब मेजोरिटी ऑफ दी रिटायर्ड जो जनरल हैं उनकी जो है सबका ये है कि ये गलत स्कीम है, गलत पड़ता है, फौज को ख़त्म करने वाली बात है। आपका बहुत लोगों के बयान इसमें भाटिया है, ये कितने अफसर है, उन लोगों की बात क्यों नहीं करते आप? अब इन सैनिकों का मजबूर है ये बेचारे, इनकी मजबूरी है बयान देना क्योंकि ये एक्टिंग वो है। सर बड़ी बात तो ये है कि देश में वैसे तो तैयारी पूरे देश के लोग करते हैं सेना में जाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा आघात जो है वो हरियाणा और आसपास के एरिया में लगा, क्योंकि ये बच्चे आप देखते हैं पंजाब राजस्थान तीनों स्टेटों को बहुत बड़ा नुकसान है इस बात का, और ये इन बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है।